हेलो दोस्तों, वे फॉर स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अस्सी बिंद आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार ट्रैक्शन सब स्टेशन के बारे में बताने के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा सीबी के बारे में, ठीक है। तो आज आपको मैं पूरा सीबी दिखा दे रहा हूँ, उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था सीटी के बारे में, फिर पीटी के बारे में और एटी के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आज हम आपको ले चलते हैं सीबी के बारे में डिटेल बताने के लिए हाजिर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में जैसे पहला है ACB एयर सर्किट ब्रेकर, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, VCB ये हम गड़बड़ हो गए थे तो बी होना चाहिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6। अगर इनके बारे में एक एक करके डिटेल जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, आप देख रहे हैं सीबी जो है 25 केवीए की लाइन में लगा हुआ है, हालांकि ये 66 केवीए में लाइन में भी लगा हुआ है। ये सीबी जो है इसकी कैपेबिलिटी, वोल्टेज कैपेबिलिटी के अनुसार ये अलग अलग सीबी जो है लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ जो 25 केवीए में लगा हुआ है ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, और जो 66 केवीए में उधर लगा हुआ है वो SF6 है यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो उसके बारे में इसके कई टाइप्स होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सीबी वर्क कैसे करता है, एक्चुअली इसकी कैपेबिलिटी के अनुसार इसमें वोल्टेज और करंट जो है प्री डिफाइंड सेट किया जाता है। जैसे ही अगर अनहेल्दी कंडीशन यानी फॉल्टी कंडीशन आता है, अगर करंट ज़्यादा होता है या वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो ये जो सेंसिंग डिवाइस है जैसे PT है, CT है, वो सेंस करता है यानी कि इसमें करंट ज़्यादा है यानी वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये सेंस करके पैनल को भेजता है कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो ये सीबी को सिग्नल भेजता है, और उसमें जो प्री डिफाइंड वोल्टेज और करंट होता है अगर उससे ज़्यादा आता है तो ये अपने आप ही ये ट्रिप कर जाता है, और फिर जैसे ही वो सही हो जाता है यानी कि हेल्दी कंडीशन में आके नॉर्मल हो जाता है तो अपने आप ही ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी बताया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए सुभाष को इजाज़त, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।